नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बता दें, ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ललितपुर में वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं लोग। रोज खराब हो रही है 50 से 100% डोज। खांदी के उपकेंद्र पर एक दिन में 100% डोज खराब हुई है। बड़ी खबर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, जहां पर वैक्सीन की डोज खराब हो गई है। जीएम कोर कमेटी की बैठक में अहम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही बता दें, कई डोज खराब हो गई है, वैक्सीनेशन केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं लोग। जागरूकता के अभाव में लोगों में डर फैला हुआ है, और इसी के बावजूद जो है, इसी के कारण जो लोग हैं टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्र पर, टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हर रोज करीब 50 से 100% डोज खराब हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खांदी के उपकेंद्र पर एक दिन में 100% डोज खराब हो रही है। इसी के साथ ही डीएम की तरफ से कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई, जहां पर अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जानकारी के अभाव में जो ग्रामीण है वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 100% डोज खराब हो रही हैं। प्रतिदिन 50 से लेकर 100% डोज खराब हो रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की वैक्सीनेशन से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर ललितपुर से ये खबर वापस सामने आई है, जहां पर वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी के अभाव में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, और इसी बीच वैक्सीनेशन केंद्र पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना की वैक्सीन है, रोजाना करीब 50 से 100% वैक्सीन खराब हो रही है। खांदी के उपकरण पर एक दिन में 100% वैक्सीन जो है उसकी डोज खराब हो रही है। तो वहीं इसके साथ ही खराब हो रही डोज को देखते हुए डीएम की तरफ से कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। और इसी के साथ रुक करेंगे हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बताते चलें आपको, जो हमीरपुर के बिंदौखर पीएचसी में एक महीने से ताला लटका हुआ है, और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। डॉक्टर की तैनाती, लेकिन अस्पताल नहीं आते। इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं मरीज, लेकिन ब्लॉक की 2 लाख की आबादी अब भगवान भरोसे। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, यहां पर अस्पताल व्यवस्थाओं की एक और बदहाली की तस्वीर सामने आई है, जहां पर ब्लॉक की 2 लाख की आबादी अब भगवान भरोसे गुजर बसर कर रही है। आपको बता दें, हमीरपुर से ये मामला सामने आया है, जो हमीरपुर के बिंदौखर पीएचसी में अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी लगती है पर डॉक्टर ही नदारद हैं, और इसी के साथ ही जो मरीज हैं उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। बता दें, डॉक्टर की तैनाती, लेकिन अस्पताल नहीं आते डॉक्टर, और इसी के साथ ही ब्लॉक की 2 लाख की जो आबादी है आप भगवान भरोसे अपना गुजर बसर कर रही है। इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन इसके बावजूद इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिंदौखर पीएचसी में एक महीने से करीब ताला लटका हुआ है। एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ पैर पसार रहा है, ऐसे में पीएचसी अस्पताल में ताला लटका हुआ है। आपको बता दें, डॉक्टर्स तैनात तो किए गए हैं, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं डॉक्टर, अस्पताल ही नहीं आते हैं, इसकी वजह से पीएचसी में ताला लगा हुआ है, और इलाज के लिए मरीजों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।